Hamza Vahinin Viladarini Hamza Vahinin Viladarini Himana Ganandini Jagata Kalyani Himana Ganandini Jagata Kalyani Jagata Janani Mata Mata Saraswati Sharada Mata Saraswati Sharada Saraswati Sharada Sharada Saraswati Sharada 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 Mata Saraswati Sharada. नेक्स्ट है डिटेक्शन या डिमॉड्यूलेशन जो हम लोग करना है SSB SC का, उसको कैसे करेंगे। चलो शुरू करते हैं डिटेक्शन और डिमॉड्यूलेशन कैसे करेंगे SSB SC का। इसको डिटेक्शन या डिमॉड्यूलेशन करने के लिए SSB SC का दो तरीके हम लोग यूज़ करते हैं। एक होता है कोहरेंट डिटेक्टर, एक और हम लोग यूज़ करते हैं फेज शिफ्ट SSB डिमॉड्यूलेटर। तो जो कोहरेंट डिटेक्टर हम लोग यूज़ करते हैं वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग डबल साइडबैंड फुल कैरियर और डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर में यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बदलने वाली है, इसलिए आपको देखना इम्पॉर्टेंट है। कोहरेंट और सिंक्रोनस डिटेक्टर में वही काम, पहले हम लोग प्रोडक्ट मॉड्यूलेट करेंगे। एक हमारा लोकल ऑसिलेटर होगा रिसीवर में, वो जैसा हम लोगों ने कैरियर पे ट्रांसमीटर में जो कैरियर यूज़ करा होगा वैसे ही कैरियर बनाने की कोशिश करेगा यहाँ पे रिसीवर पे। अब रिसीवर पे भाई एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी आती है कि रिसीवर पे कैरियर कंपोनेंट तो होता नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा इनकमिंग सिग्नल है उसमें कैरियर कंपोनेंट नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट हमें फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन, फ्रिक्वेंसी और फेज सिंक्रोनाइजेशन हो सकता ना मिले, ठीक है यहाँ पे। कि मतलब एग्जैक्ट फेज और फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है कि जैसा हम लोगों ने ट्रांसमीटर पे लोकल ऑसिलेटर जो यूज़ करा होगा जो कैरियर बनाने के लिए, बिल्कुल हो सकता है वैसे ही सिग्नल हम लोग रिसीवर पे ना बना पाए, ठीक है। और जो इनकमिंग सिग्नल है उसमें फ्रीक्वेंसी और फेज सिंक्रोनाइजेशन ना हो, ठीक है। हम लोग अब कोस्टास रिसीवर भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कैरियर कंपोनेंट ही नहीं है, है ना, जो इनकमिंग सिग्नल है। तो कोस्टास रिसीवर भी यूज़ नहीं कर सकते कि सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए जो हम लोग डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर में यूज़ करते थे। चलो कोई बात नहीं, हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बन पाता तो बात अलग है, ठीक है। तो हमने मान लो बनाया AC cos 2πfct + 5, है 5 का फेज डिफरेंस आ रहा है जो इनकमिंग सिग्नल है और जो इसमें 5 का फेज डिफरेंस है। इतना फेज डिफरेंस चलो अपने मतलब भाई हमें क्या मालूम किस उस पे फेज से आ रहा है, तो हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी तो 5 का फेज डिफरेंस आ रहा है। अब ये 5 का फेज डिफरेंस आया, इनकमिंग सिग्नल जो ST है हमारा वो सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है, उसकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है, ये हमारी उसकी इक्वेशन होती है, हम लोग ये बहुत बार देख चुके हैं अब तक की, ठीक है। फिर हमारा ये मल्टीप्लायर पे जाएगा, मल्टीप्लायर का आउटपुट क्या आएगा, ये चीज़ और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारा AC² / 2 MT cos 2πfct ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर कॉस ए कॉस बी साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, cos 4πfct + 5 + cos 5 sin 4πfct + 5 + sin 5, अपॉन में 2 भी होगा तो वो 2 यहाँ पे 4 हो गया है, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर हम लोग इसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो ये वाला कंपोनेंट पास नहीं होगा, ये वाला कंपोनेंट पास नहीं होगा, ये वाला कंपोनेंट पास हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट पास हो जाएगा। तो लो पास फिल्टर का जो आउटपुट आ रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आउटपुट है। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है, पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर में और डबल साइडबैंड फुल कैरियर में कि अगर हमारा जो ये फेस है ना, फेस डिफरेंस है इनकमिंग और यहाँ के, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो हम लोग एमटी को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, ठीक है,
जो मैसेज सिग्नल था उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, क्योंकि उसमें केवल एक कंपोनेंट होता था, कुछ इस तरीके कंपोनेंट होता था, डबल साइड बैंड, बिल्कुल मतलब समझ लो एक ये वाला कंपोनेंट होता था, तो ए सी स्क्वायर एम टी बाई फोर इस तरीके का कोई कंपोनेंट होता था। यहाँ पे ये चीज़ बदल सकती है इंटू कॉस फाइव, मतलब कि एम टी कॉस फाइव का कंपोनेंट होता था, एम टी कॉस फाइव का कंपोनेंट होता था। तो अगर उसमें फाइव की वैल्यू कांस्टेंट होती थी, हमारी फाइव अगर कांस्टेंट है तो कॉस फाइव भी कांस्टेंट रहता था, तो मतलब कि हमारा, तो हम लोग क्या करते थे कि एम टी को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे। जैसे कॉस फाइव की वैल्यू मान लो रूट थ्री बाई टू है, तो रूट थ्री बाई टू वो, तो हमें मतलब कि कॉस फाइव कॉन्स्टेंट है और हमें कॉस फाइव की वैल्यू रूट थ्री बाई टू है, तो रूट थ्री बाई टू एम टी हमें मिल जाता था, तो हम लोग उसमें से एम टी को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल टू एम टी मिलता था। बस फाई की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, फाई की वैल्यू जब 90 डिग्री होती थी तो हमारा कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाती थी, तो उस केस में हमारा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट हो जाता था। ये सब चीज़ें हमारे पहले होती थी, लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अब यहाँ पे अगर फाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो एक तो टर्म हमारा एम टी कॉस फाई वाला आएगा, मतलब कि एक एम टी वाला टर्म आएगा, एक एम टी वाला टर्म आएगा, कुछ यहाँ पे उसका कुछ कोएफिशिएंट होगा, है ना, और एक हमारा एम कैप टी का टर्म आएगा, एम कैप टी का टर्म होगा उसका कुछ कोएफिशिएंट होगा, मैं कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। तो हमें दो टर्म मिल रहा है, एम टी और एम कैप टी के टर्म मिलेंगे अगर हमारा फाई कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट हमने नहीं लिखे हैं, वो यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट होंगे, ए सी स्क्वायर बाई फोर और कॉस फाई की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट होगा। कहने की बात यह है कि एक हमें एम टी का टर्म मिलेगा, चलो उसका कोएफिशिएंट मान लो के वन, ठीक है, और एक हमें मिलेगा एम कैप टी का कोएफिशिएंट, तो उसका मान लो कोएफिशिएंट के टू एम कैप टी। तो हमें दो टर्म मिल रहे हैं, एक एम टी और एम कैप टी। अब इसमें समझने वाली बात, अगर हमारा फाई कांस्टेंट है तो, ठीक है, अगर हमारा फाई कांस्टेंट है और फाई की वैल्यू 0 नहीं है, ना ही फाई की वैल्यू 90 डिग्री है, 0 और 90 डिग्री नहीं है, 0 और 90 डिग्री नहीं है, तब ये हमें मिलेगा, एक एम टी का मिलेगा और एक एम कैप टी का मिलेगा, और 0 और 90 डिग्री में केस दूसरा हो जाएगा, वो हम लोगों ने अभी यहाँ डिस्कस करा, उसको भी 1 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के फाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है ना, फाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है और फाई की वैल्यू हमारी 0 और 90 डिग्री नहीं है, तो ये कॉस फाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी, मान लो कॉस 45 है तो यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/√2 आ जाएगा, के वन की वैल्यू होगी ए सी स्क्वायर अपॉन 4√2, के टू की वैल्यू भी होगी ए सी स्क्वायर अपॉन 4√2। तो कहने की बात यह है कि हमें एक एम टी का कोएफिशिएंट मिलेगा और एक हमें एम कैप टी का कोएफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। तो एम टी और एम कैप टी का मतलब टर्म मिलेगा, और एम टी की जो फ्रिक्वेंसी होती है वही एम कैप टी की भी होती है, क्योंकि ये इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है ना, मतलब 90 डिग्री फेज शिफ्ट है लेकिन फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो जहां एम टी लाई कर रहा है वहीं एम कैप टी भी लाई कर रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, दोनों सिग्नल मिक्स हो जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं सही से मिलेगा, ठीक है। दोनों सिग्नल मिल जाएंगे, ना हमें एम टी मिल पाएगा सही से, ना हमें एम कैप टी मिल पाएगा। चलो हम मान लेते हैं कि हमें एम टी मिल जा रहा है, या तो हमें एम टी मिल जाए खाली या एम कैप टी मिल जाए। अगर हमें एम कैप टी मिल जाएगा और हमें पता है कि 90 डिग्री फेज शिफ्ट है, तो हम चलो उसका फिर से हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और हमें एम टी मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है कि इसमें हमारे एम टी भी मिलता है और एम कैप टी भी मिलता है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। अब जैसे दो आदमी बात कर रहे हैं, दोनों इस एक फ्रीक्वेंसी में बात कर रहे हैं, तो एक ही फ्रीक्वेंसी में सबकी वॉइस ट्रांसमिशन होती है। जब कई सारे लोग बोल रहे होते हैं तो आदमी को समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है ना, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी रेंज एक होती है। उसी तरीके से इसमें एम टी भी उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में, एम कैप टी भी उसी फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो हमारा दोनों के दोनों मिक्स हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ना एम टी मिल पाएगा ना हमें एम कैप टी मिल जाएगा। अब केस देखते हैं कि जब हमारा फाई की वैल्यू 0 होती है और फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तब ठीक है। जब हमारा फाई की वैल्यू 0 होगी तो हमें क्या मिलेगा, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये साइन 0 की 0 0 हो जाएगी, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये वाला टर्म
खाली हमें मिलेगा आउटपुट में। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर एम टी बाई फोर। तो हमें आउटपुट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी मिल गया, तो हमें तो हम यहाँ से एम टी मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट काम ये है कि जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यहाँ पे जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी तब क्या होगा, तब क्या होगा कि हमें यहाँ पे ये कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वाला टर्म जीरो हो गया, साइन 90 की वैल्यू वन, तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा। तो हमें वाई टी की वैल्यू हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कैप टी मिल जाएगी। तो इसमें दो पॉइंट हैं, पहली बात देखने वाले, एक पॉइंट ये है कि हमें आउटपुट मिल रहा है एम कैप टी जब हमारा 90 डिग्री है, मतलब कि एम कैप टी है क्या, एम कैप टी बस खाली एम टी का फेस शिफ्टेड वर्जन है ना, इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है, इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है, यानी इसका फेस शिफ्टेड वर्जन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर से 90 डिग्री फेस शिफ्ट कर दें तो हमारा माइनस एम टी मिल जाता है, मतलब प्रोपोर्शनल टू वाई टी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी मिल जाएगा। ठीक है, एम टी का अगर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एम कैप टी होता है तो एम कैप टी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, होता है माइनस एम टी। ये हम लोगों ने बिल्कुल शुरुआत की क्लास में कराया है, मैंने ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मेरे हिसाब से चौथी या तीसरी क्लास में करवाया मैंने। ठीक है, तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म वाला लेक्चर आप देख लेना। तो अगर हम इसका फिर से, अगर हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें एम टी नहीं मिल रहा है, अगर मान लो हमें पता चल गया कि फेज डिफरेंस हमारा 90 डिग्री का हो रहा है और हमें एम टी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग को एक बार फिर से हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और हमें एम टी के प्रोपोर्शनल हमें आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि माइनस एम टी के प्रोपोर्शनल मिलेगा, मतलब एम टी के प्रोपोर्शनल हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें पता होना चाहिए कि फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एक बार और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेना है जो आउटपुट में यहाँ सिग्नल आ रहा है, नहीं तो हमें एम कैप टी के प्रोपोर्शनल मिल रहा है। एम कैप टी के प्रोपोर्शनल क्या मिल रहा है, मतलब कि ये फेस शिफ्टेड वर्जन है एम टी का, तो मतलब कि यहाँ पे फेस डिस्टॉर्शन हो रहा है, फेस एरर आ रहा है। ठीक है, फेस एरर आ रहा है यानी फेस डिस्टॉर्शन हो रहा है आउटपुट में। अगर मान लो अब क्या होगा, जो रिसीवर पे होगा, हमें पता थोड़ा ना चलेगा कि ये में फेस डिस्टॉर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फेस एरर, तो हमारा फेस एरर आता है। तो लेकिन चलो हमें एम कैप टी के प्रोपोर्शनल मिल जा रहा है जब हमारा 90 डिग्री है, तो इसमें देखो जब हम लोग डबल साइड बैंड फुल कैरियर और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में फेस फाई की वैल्यू जब 90 डिग्री होती थी, है ना, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होती थी तो आउटपुट हमें जीरो मिलता था, तो आउटपुट हमें वाई टी की वैल्यू जीरो मिलती थी उसमें, लेकिन यहाँ पे वाई टी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम कैप टी मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अब यहाँ पे वाई टी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो यहाँ पे क्वाड्रेचर नल इफेक्ट जो होता है वो नहीं होता है, तो हमारा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट इस वाले केसेस में नहीं होता है। ये हम जब लोग SSB और SC यूज़ करते हैं के लिए कोहरेंट डिटेक्टर का यूज़ करते हैं, तो हमारा क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं पाया जाता है इसमें। तो यहाँ पे इट मीन्स देयर इज नो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट इन पैटर्न इन द SSP ड्यू टू फेज एरर, लेकिन बस खाली जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री है तो हमें आउटपुट बस खाली एम कैप टी के प्रोपोर्शनल मिल रहा है, और जब फाई की वैल्यू जीरो है तो हमारा आउटपुट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी मिल रहा है। ठीक है, बस यही है इसको, ये जो एम कैप टी क्या है कि एक्चुअल में एम टी में ही 90 डिग्री फेज शिफ्टेड वर्जन है, तो हम कहेंगे कि इसमें फेज डिस्टॉर्शन हो रहा है। तो जब हमें फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो हम कहेंगे कि हमारा ये फेज डिस्टॉर्शन है, क्योंकि ये इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 90 डिग्री फेज शिफ्टेड वर्जन होता है, तो हमारा ये कहेंगे कि इसमें फेज डिस्टॉर्शन है। ठीक, अब आप देखो कि वॉइस ट्रांसमिशन में हम लोग वॉइस डिस्टॉर्शन में फेज डिस्टॉर्शन जो होता है वो हमारे, अगर फेज डिस्टॉर्शन हो भी रहा है तो हमारे ह्यूमन के जो कान है वो इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं कि फेज डिस्टॉर्शन को नोटिस कर सकें, तो वॉइस ट्रांसमिशन के लिए SSB हमारा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती वॉइस ट्रांसमिशन के लिए SSB में। और अभी हम लोगों ने देखा कि वॉइस ट्रांसमिशन में बीच में स्पेक्ट्रल गैप भी होता है, तो फिल्टर और जो बनाते थे ना डबल साइड बैंड वाला, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर जो हम लोग बनाते थे, तो उसमें आसानी से फिल्टर लगा के हम लोग एक साइड बैंड को रिमूव भी कर सकते थे। तो वॉइस ट्रांसमिशन में ना ट्रांसमिशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती ना रिसेप्शन में प्रॉब्लम होती, रिसेप्शन में भी हमारे ह्यूमन ईयर्स जो हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं होते फेस डिस्टॉर्शन। अगर मान लो रिसीवर का जो
लोकल ऑसिलेटर है उसमें 90 डिग्री फेज शिफ्टेड भी है, या 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है हमारा इनकमिंग सिग्नल और उसमें, तो तब भी हमें ह्यूमन ह्यूमन ईयर उसको सेंस नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ना ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम हो रही है, आसानी से हम लोग फ्रीक्वेंसी वाले मेथड से जिसमें फिल्टर डबल साइडबैंड फ्रीक्वेंसी वा फिल्टर एक फिल्टर वाले मेथड से आसानी से हम लोग यहाँ बना सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी वो होता है कि ट्रांजिशन बैंड के लिए काफ़ी बीच में गैप होता है, ट्रांजिशन बैंड भी हमारा आसानी से आ जाता है। तो ये हम लोगों ने ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग इसका मॉड्यूलेशन में पढ़ रहे थे। तो वॉइस ट्रांसमिशन में ना मॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है ना डीमॉड्यूलेशन में प्रॉब्लम आती है। अगर डीमॉड्यूलेशन में फेस डिस्टॉर्शन हो भी रहा है तो हमारे कान उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो ट्रांसमिशन में ये प्रॉब्लम आ जाती है, वीडियो ट्रांसमिशन में हमारी ह्यूमन आई जो होती है वो सेंसिटिव होती है फेस डिस्टॉर्शन में। तभी आप लोग पुराने टाइम पे जब एएम सिग्नल यूज करते थे तो देखो, जैसे अगर कोई आपकी पिक्चर मूव, देखो टीवी में कोई जैसे कोई ये पिक्चर है वो इधर तरफ मूव कर रही है, तो पीछे पीछे एक सिल्वर सिल्वर कलर की घोस्ट पिक्चर आती थी, है ना, वो फेस डिस्टॉर्शन के कारण आती थी। तो जो हमारा फेस डिस्टॉर्शन जो होता है उसके कारण जो वीडियो ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आती है उसमें पीछे पीछे सिल्वर कलर की, जैसे अगर इधर से इधर जा रहा है तो पीछे पीछे एक सिल्वर कलर की वो आती थी ना डिस्टॉर्शन, तो वो हमारा उसी इसीलिए आती थी, क्योंकि अगर अब पुराने टाइम पे जो एएम वाले सिग्नल होते थे उनको घुमा के देखो, है ना, थोड़ा बहुत घुमा के देखो, तो जब फेज डिस्टॉर्शन होता था तो पीछे पीछे सिल्वर कलर की एक आने लगती थी, फिर जब हम लोग उसको सही ट्यून कर देते थे तो सही आने लगती थी, है ना। तो जो पीछे जो सिल्वर कलर की जो इमेज आने लगती थी उसको कहते थे घोस्ट पिक्चर, घोस्ट पिक्चर पीछे आने लगी है, भूत वाली नहीं लेकिन तब भी उसको कहेंगे कि पीछे उस पर वो आ रही है, जैसे आदमी अगर इधर से चल रहा है तो उसके पीछे एक घोस्ट पिक्चर ऐसे टाइप की सिल्वर, ये जो रेड कलर है वो सिल्वर कलर की सिल्वर कलर में दिखता था। तो कहने की बात ये कि वीडियो ट्रांसमिशन में हमें साफ साफ दिखने लगता है, अगर फेज डिस्टॉर्शन 90 डिग्री का है, फेज डिस्टॉर्शन 90 डिग्री का है तो हमें साफ साफ दिखने लगता है कि भाई इसमें प्रॉब्लम, इसमें घोस्ट पिक्चर दिखने लगती है। तो हमें तो इसलिए हम लोग वीडियो ट्रांसमिशन के लिए SSP को नहीं यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा फेस शिफ्ट डिमॉड्यूलेटर। ये फेस शिफ्ट मॉड्यूलेटर होता था ना, बिल्कुल वही एग्जैक्ट है जैसा फेस शिफ्ट मॉड्यूलेटर होता था, वही हमारा एग्जैक्ट है। यहाँ पे प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का मतलब वही आ रहा है, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर जो सिग्नल आ रहा है इसको इधर जो इधर से सिग्नल आ रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, ये जो इधर से सिग्नल आ रहा है उसको इधर इधर से जो सिग्नल आ रहा है उनको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये लोकल ऑसिलेटर हमारा मान लो बना रहा है AC cos 2π FCT, ये 90 डिग्री साफ शिफ्ट हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है इधर AC sin 2π FCT, यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है जो इनपुट वो वाइड बैंड 90 डिग्री फेज शिफ्टर है, वही चीज है जो पुराना, जो पुराना आपका SSB मॉड्यूलेटर होता था वही सेम सर्किट है। और यहाँ पे तो ST है तो ये SCAP T हो जाएगा, ठीक है, जो इनकमिंग सिग्नल है उसका SCAP T हो जाएगा, फिर यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे तब तो देखेंगे क्या मिलता है, ठीक है। तो ST अगर हमारा ये आ रहा है तो SCAP T की वैल्यू ये होगी, SCAP T की वैल्यू ये होगी, तो V1T जो AC cos 2π FCT से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये V1T की वैल्यू होगी, V1T जब हमारा ST और AC cos 2π मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा हमारा AC cos 2π FCT से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने V1T बनाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ST और इसको मल्टीप्लाई करके हमने V1T बनाया, ST और AC cos 2π FCT को मल्टीप्लाई करके V1T बनाया, तो ये बन गया V1T। उसी तरीके से SCAP T को हम लोगों ने AC sin 2π FCT से मल्टीप्लाई करके, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करा तो हमने V2T बनाया, तो ये SCAP T और AC sin 2π FCT को मल्टीप्लाई करके V2T बना दिया, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन दोनों को ऐड कर दे रहा है, इन दोनों को ऐड कर दे रहा है, तो देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बस खाली क्या बचेगा, AC² / 2 MT cos² 2π FCT प्लस sin² 2π FCT, तो cos² 2π FCT प्लस sin² 2π FCT इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,
तो ए सी स्क्वायर बाई टू एम टी हो जाएगा वाई टी की वैल्यू। तो हमें वाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम टी मिल गया। ठीक है, तो हम लोग यही तो उसमें करते हैं डिटेक्शन और डिमॉडुलेशन में, हमें आउटपुट चाहिए वो एम टी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें एक और बात हो गई है कि इसमें सिग्नल टू नॉइस रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो अच्छा है इसमें रिसीवर में सिग्नल टू नॉइस रेशियो, क्योंकि सिग्नल को हमारा ए सी स्क्वायर बाई टू से भी मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है, तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है हमारा काफ़ी बड़ा होता है 1 से, तो ये एक अच्छी बात है। इसको यूज़ करने में हमारा सिग्नल टू नॉइस रेशियो काफ़ी बड़ा होता है। क्या होता है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड हाई होता है काफ़ी, ए सी स्क्वायर बाई टू करके होता है। और इसका बस डिसएडवांटेजेस रिसीवर का यही है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इसमें हमें वाइड बैंड 90 डिग्री फेस शिफ्टर बनाना पड़ रहा है जो हमें एम कैप टी दे रहा है, मतलब हिलबर्ट ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ रहा है, ऊपर से यहाँ से भी ऑसिलेटर है उसको फिर 90 डिग्री फेस शिफ्ट कर रहा है, इतना ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर दो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाने पड़ रहे हैं। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर लगाने के लिए हम लोगों ने देखा किस तरीके से बनाते हैं डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हम लोगों ने देखे हैं दो तरीके से किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो इनको बनाने में भी काफ़ी वो सर्किट लगेगी, इसको बनाने में काफ़ी सर्किट लगती है, फिर उस दो सब ये सबको लोकल ऑसिलेटर है जिन फेज शिफ्टर है, फिर यहाँ पे सबको ऐड करना है, तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ जा रही है रिसीवर की। ठीक है, नेक्स्ट है पायलट कैरियर। तो हम लोग ये तो एक हम पहले ही बता चुके हैं कि सिंगल साइड बैंड रिड्यूस कैरियर मैंने पढ़ाया था ना, जब मैंने टाइप ऑफ एस एस बी पढ़ाया था, तो वही चीज़ है। एक ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो लोकल ऑसिलेटर है रिसीवर पे, उसको सिंक्रोनाइज करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे पास इसमें कोई कैरियर कंपोनेंट नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा कैरियर कंपोनेंट जिसकी पावर उतनी नहीं होती है, पावर उसका उसकी ए सी स्क्वायर बाई टू पावर वाला नहीं है ना, तो उस छोटा उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है। पहले हम लोग यूज़ करते थे जैसे कि ए सी कॉस टू पाई एफ सी टी की पावर, ये कंपोनेंट यूज़ करते थे कैरियर के लिए है ना, तो कैरियर के लिए ये यूज़ करते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इतना एम्पलीट्यूड का नहीं, बहुत छोटे एम्पलीट्यूड का है ना, बहुत छोटे ए सी से का बहुत छोटे एम्पलीट्यूड का मान लो, तो एक कैरियर हम लोग डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी फ्रीक्वेंसी और फेज का जो सिंक्रोनाइजेशन है रिसीवर पे वो आसानी से हो जाता है, तो इसको कहते हैं पायलट कैरियर इंसर्शन इन एसएसबी। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पहले भी बता चुके हैं सिंगल साइड बैंड रिड्यूस कैरियर के, जब मैं बता रहा था टाइप ऑफ एसएसबी में। ठीक है, और फिर क्या होगा, हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोई क्वाड्रेचर नल इफेक्ट नहीं होता है हमारा, बैंडविड्थ मिनिमम होती है, हाँ अगर अब कैरियर तो है नहीं तो जरा सी जो अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा तो हमारा क्वालिटी ऑफ ट्रांसमिटेड और रिसीवर सिग्नल का काफ़ी चेंज हो जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको गुड क्वालिटी सिग्नल जैसे कि म्यूजिक और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए हम लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। हाँ स्पीच ट्रांसमिशन जो वॉइस ट्रांसमिशन है उसको यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, एसएसबी को पायलट कैरियर का क्या काम है, फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन एसएसबी। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब मैं बता चुका हूँ, एक बार नहीं कई कई बार, ठीक है एक बार देख लो बस। इसको एक बार रीडिंग मार लो, कुछ समझाने वाला नहीं है। ठीक है, तो एसएसबी हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और क्या कर सकते हैं कि अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से वीएसबी पढ़ेंगे, और यही हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का लास्ट टॉपिक होगा। चलिए ठीक है, फिर अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप हमारी फाइनेंशियली हेल्प कर सकें तो प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। हमारे ये जो YouTube चैनल है इसका नाम है प्रोफेसर प्रशांत हिंदी, इसको प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, अपने सीनियर्स के साथ शेयर करें, अपनी फैकल्टी के साथ शेयर करें इन वीडियोस को। अगर आप हमें फाइनेंशियली हेल्प कर सकें तो प्लीज़ आप करिए, है ना। आजकल
जरा सा भी एक छोटा सा बच्चा होता है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो उसको भी उसके लिए भी अगर आप ट्यूशन लगाते हो तो उसमें भी 300-400 रुपए वो लगाता है, और मतलब फैकल्टी लेता ही है कम से कम। लेकिन अब ये सब काम फ्री में हो रहा है, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी आप गुरु दक्षिणा में कुछ भी अपने मन से फाइनेंशली हेल्प कर सको तो प्लीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इस काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और ये काम फ्री में ही करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये काम मैं पैसे लेके करूं या उस तरीके से, फिर मुझ में और जो बाकी चीज़ें चल रही हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसलिए ये काम को मैं फ्री में ही करना चाह रहा हूँ, इसलिए आपसे कहते हैं कि आप प्लीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। तो ये आपका ही काम है, इससे आपके दोस्तों अपने भाइयों को भी फ़ायदा होगा, जो फ्री में एजुकेशन होगी सबके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ फाइनेंशियली सपोर्ट करें। अगर इस फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है मेरी www.apsepressron.com पर जाके एक सपोर्ट नाम का पेज है, वरना आप ये URL टाइप कर लीजिए अपने ब्राउज़र में, तो उसमें से आप पहुंच जाएंगे। उसमें बहुत सारे तरीके हैं सपोर्ट करने के, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड है ना, ये आपका गूगल पे, पेटीएम, पेपल है ना, फोन पे, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो आप उसमें से जाके कोई भी तरीका जो आपको सही लगे उसमें से आप हमें फाइनेंशली सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तो सब राम भरोसे चल रहा है। जय राम जी की, जय माता दी। माता सरस्वती शारदा 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 विद्यानारी दयानी दुख हरणी जगत जननी माता सरस्वती शारदा सरस्वती शारदा।